ऑल राइट स्टूडेंट्स हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे लोकल अनास्थेटिक्स के तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है आपके एक्टिव एग्जामिनेशन में बेसिकली आएगा क्लासीफाई लोकल अनास्थेटिक्स एंड राइट डाउन द मेनिजम ऑफ एक्शन एंड यूजेज तो बेसिकली इसमें जैसे लोकल अनास्थेटिक की अगर आप बात करें तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि लोकल अनास्थेटिक आर द ड्रग विच अपॉपिकल एप्लीकेशन और इंजेक्शन काजेज रिवर्जिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन इस्पेली इन द पेन इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि इन द रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी होल बॉडी में जब हम बात करेंगे और विद लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस लोकल नास्थेटिक में विदाउट लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस ड्रग का इफेक्ट होता है जबकि जनरल नास्थेटिक में जब हम बात करते हैं तो कॉन्सियसनेस भी लॉस होता है हमारा और होल बॉडी की हम बात करते हैं जबकि यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको याद करना होगा लर्न करना होगा इसमें हमारा इंजेक्टेबल होते हैं और सरफेस एनेस्थीसिया होते हैं लाइक प्रोकेन क्लोर प्रोकेन और ये पूरा आपको कैटेगरी वाइज इसको याद करना होगा लाइक सॉल्युबल इनसॉल्युबल राइट कुछ आ, आ, बुक्स में आपको क्लासिफिकेशन में मिलने वाला है कि लोकल एनेस्थेटिक क्लासीफाइड होते हैं एमाइड और एस्टर की बेसिस पे तो चूंकि हमको पता है कि एस्टर हमारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो ये वजह होता है कि जितनी लोकल एनेस्थेटिक एस्टर के डेरिवेटिव होंगी वो सॉल्ट एक्टिंग होगी क्योंकि जो एस्टर होंगे वो शॉर्ट एक्टिंग होंगे और मेटाबोलाइज बाई द एस्टरेजेज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा जबकि एमाइड्स जो होंगे इनमें वो लॉन्ग एक्टिंग होगी तो ये कॉन्सेप्ट को भी आपको एज ए पर्पज ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से ड्रग एक्ट करती हैं तो बेसिकली ये ड्रग एक्ट कैसे करती हैं सोडियम आयन चैनल है तो सोडियम आयन चैनल में अगर आप देख पा रहे हैं दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन and this axonal membrane has a sodium channel and this sodium channel has m gate this is m gate right and this is m gate and this is halt gate halt gate matlab ye hai ki aap ye gate jab isko abhi gate aap open मान के चलिए ye cheez open hai aapka ye area matlab ye to abhi upar se close hai right अब जैसे ये situation है सपोज करिए तो इसमें आपका ऊपर वाला एम गेट भी ओपन सिचुएशन में माना जाएगा और इट मीन्स नीचे तो ओपन है ही है अगर ये चीज बंद होगी इट मीन ये इस तरीके से होगी राइट तो हार्ट गेट क्लोज की ये कंडीशन है और एम गेट ओपन की ये कंडीशन है यहां पर आप देख सकते हो एम गेट ओपन है और हॉल्ट गेट ये अभी ओपन ही है तो बेसिकली हॉल्ट गेट के नियर बाई क्या होगा रिसेप्टर होगा दैट इज कॉल्ड लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर्स राइट ये लोकल अनास्थेटिक रिसेप्टर इट मीन्स व्हाट एवर द ड्रग और लोकल यू विल टेक दैट लोकल अनास्थेटिक इज इन इनिशियली इट विल बी इन आयोनाइज फॉर्म एंड एज इट बिकेम अन तो अन आनाइज फॉर्म में लोकलटिक क्या हो गया क्रॉस होगा और अगेन ये uh, क्या होगा रिवर्जल रिएक्शन बार बार चलती रहती है दोनों डायरेक्शन में तो जैसे ही ये अन होगा दैट विलीड्स टू दाइंड विदर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द इंट्रासेर फेस एक्स्ट्रासिलर फेस फेस के एम गेट है राइट right? जबकि लोकल एनेस्थेटिक का जो रिसेप्टर है बेसिकली ये येलो कलर वो कहाँ है इंट्रा सेलर तो अब मैं इसको रीड आउट करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा द सोडियम चैनल हैज़ एन एक्टिवेशन गेट मेक और एम गेट नियर इट्स एक्स्ट्रासर माउथ एंड एन इन एक्टिवेशन गेट हॉल्ट और एच गेट एट द इंट्रासेर माउथ इन द रेस्टिंग स्टेट द एक्टिवेशन गेट इज क्लोज इन द रेस्टिंग स्टेज दिस एक्टिवेशन गेट इज closed or m gate is closed threshold depolarization of the membrane opens the activation of gate uh, sorry threshold depolarization of the membrane opens the activation gate allowing sodium ion to flow in along the concentration gradient within a few milliseconds the inactivation gate closes and ion flow ceases the channel recovers to the resting state in the time-dependent manner मीन्स बेसिकली यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जैसे ही यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है बाई मीन्स ऑफ जो कि डिपोलराइजेशन इवेंट अगर होता है तो दैट थ्रोसोल डिपोलराइजेशन क्या करेगा ये मेम्ब्रेन इस आयन चैनल को ओपन करेगी और वो स्टिमुलस से आयन चैनल ओपन होगा सोडियम के अंदर होगी मीन्स डिपोलराइजेशन होगा और अगेन डिपोलराइजेशन होने के बाद ये आयन चैनल क्या हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट मैनर में खुद से क्या हो जाएंगे ये क्लोज हो जाएंगे और ये किस में चले जाएंगे इन द रेस्टिंग स्टेज में राइट तो ये आपकी रेस्टिंग स्टेज है ये एक्टिवेटेड है ये इनएक्टिवेटेड है, राइट right? तो अब आप इसको देखिए। लोकेटेड विद इन चैनल ऑन इट्स मेम्ब्रेन इन इट्स फॉर्म ये जो ट्रांसफर करेगा मेम्ब्रेन को ये जैसे ये जो बी ड्रग है लोकल ये कैसे क्रॉस करेगा अन आयनाइज फॉर्म में तो उसी चीज को यहां पे लिखा है कि ये इज un फॉर्म में लाइपोफिलिक फॉर्म में ट्रांसफर करेगा री आयोनाइज इन द एक्म एंड्रोचे टू द लोकलिक रिसेप्टर थ्रू द इंट्राइलर माउथ ऑफ द चैनल तो री रीआोनाइज का मतलब है कि ये चीज यहां आके अगेन H प्लस से कम्बाइंड होकर क्या हो रही है री आयोनाइज हो रही है और री आयोनाइज स्टेट में लोकल एनेस्थेटिक ये निकूंकि बी एक ड्रग है लोकल एनेस्थेटिक तो ये ड्रग अपने रिसेप्टर से बाउंड होगी जो कि इंट्रासेलुलर माउथ पे सोडियम चैनल के प्रेजेंट it is the cationic form of bh plus of of the loop la which primarily binds to the receptor the receptor has higher affinity for or is more accessible to the la in the activated as well as inactivated state compared to the resting state means in comparison to this stage of the sodium channel this activated stage and this inactivated stage generally allow the

राइट right? जो जब लोकल इनस्टिटिक रिसेप्टर से बाइंड होगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा हॉल्ट गेट क्लोज हो जाएगा और हॉल्ट गेट जब क्लोज होगा तो ये बेसिकली ये सोडियम आयन चैनल की एंट्री है सोडियम आयन की एंट्री तो होगी लेकिन ये डिपोराइजेशन इवेंट पूरा कंप्लीट नहीं होगा मीन्स जो ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में क्या हो जाएगा चैनल होल्ड हो जाएगा तो बाइंडिंग ऑफ एल ए टूट रिसेप्टर स्टेबलाइज द चैनल इन इनएक्टिवेटेड स्टेट एंड दस रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ चैनल ओपनिंग मीन्स अब जो रेस्टिंग स्टेट में आने की प्रॉबलिटी है इसकी ये कम हो गई क्योंकि अब जब तक यहाँ पे लोकल अनस्थेटिक बाइंड होगा ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में ही रहने वाला है अब देखिए एक तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किस तरीके से लोकल अनस्थेटिक वर्क करते हैं बेसिकली जैसे ही अब जब डिपोलराइजेशन इवेंट नहीं होगा मीन्स जो है इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा राइट right? तो इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा तो पेन का सेंसेशन भी आपका ट्रेवल नहीं करेगा अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की जैसे हम देखें कि जो हमारी जितनी लोकल नास्थेटिक होती है मैक्सिमम दे आर ऑल आर वीक बेसिस तो आपको पता है कि अगर वीक बेस कोई ड्रग है और बेसिक एनवायरमेंट में ही वो एब्जॉर्ब होनी है तो इसके साथ इस लॉजिक के साथ हम क्या कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट स्पीड स्पीड्स द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल नास्थेटिक बाई इंक्रीजिंग द अन आयोनाइज फॉर्म सोडियम बाई कार्बोनेट सेल्फ बेस होता है तो अगर बेसिक ड्रग को बेस में डालेंगे तो अन फॉर्म में ज्यादा होगी तो इसीलिए बेसिकली हम कह सकते हैं दैट कैन पेनिट्रेट द एक्सोनल एक्सोनलब्रेन एज वेल तो लोकल बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को सोडियम बाइकार्बोनेट बढ़ा रहा है स्पीड अप कर रहा है अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स लाइक एड्रेनालिन कैन प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डिक्रीज द टॉक्सिसिटी सपोज करिए किसी लोकल एनेस्थेटिक को आपको कहीं पर एडमिनिस्टर करना है अब वो लोकल एनेस्थेटिक उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही वर्क करे तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको आईवी दिया है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से फ्लोट करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा तो उसको ज्यादा रिटेन करें उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहां पे सर्जरी की प्रोसेस को आपको प्रोसीड करवाना है मींस लोकली तो आप अगर एलॉन्ग विद एड्रेनेलिन देते हैं उस लोकल अनस्थेटिक को तो ड्यू टू द एल्फा वन रिसेप्टर एड्रेलिन प्रोड्यूस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रमोट नहीं करेगा कि लोकल अनस्थेटिक का मूवमेंट उस ब्लड वेसल से ज्यादा पूरे बॉडी में

लाइक सरफेस एनस्थीसिया बेसिकली आप म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्रेडेड स्किन में देते हैं बेसिकली इसमें लिग्नोकिन यूज होता है लाइक आप म्यूकस मेम्ब्रेन नोज ईयर आइज माउथ या फेरिंग्स में राइट इनफिल्ट्रेशन एनस्थीसिया में ऑलरेडी हम सब क्यूटेनियसली देते हैं लोकल एनस्थिटिक को और बेसिकली इसमें माइनर सर्जरीज लाइक इन सीजन एक्स या स्वीचरिंग आप परफॉर्म करते हैं नर्व ब्लॉक एनस्थीसिया ऑलरेडी हम इसको प्रैक्टिकल में ये सब टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं फिर भी नर्व ब्लॉक में हम बेसिकली लोकल एनस्थिटिक को इंजेक्ट करते हैं अराउंड द नर्व ट्रंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अराउंड द नर्व ट्रंक सप्लाइंग द पर्टिकुलर एरिया ऑल द नर्व कमिंग कम लिविंग अपर लिम को अगर हमको करना है तो बेसिकली हम जैसे ब्रैकियल प्लेक्सस में करते हैं या रिस्ट ब्लॉक राइट right? तो ये एक आपका वो हो गया नर्व ब्लॉक टाइप ऑफ इंट्रावेनस रीजनल ब्लॉक तो आईवीआर जिसको हम बियर्स ब्लॉक कहते हैं बियर साइंटिस्ट की वजह से नाम है बियर्स ब्लॉक इंट्रावेनस रीजनल एनास्थीसिया में बेसिकली जो की प्रोसीजर हमको आर्म के बेलो में एल्बो एंड लेग बेलो द नी दैट वुड बी कम्प्लीटेड विद इन फोर्टी टू सिक्सटी मिनट्स इसमें क्या करते हैं इंट्रावेनस कैनुला आप इंजेक्ट करते हैं इन इन द डिजिटल वेन इन द लिम शिड्यूल्ड फॉर अ सर्जरी एंड द टॉर्निक्यूट जो प्रेशर क्रिएटिंग एक जो होता है आपका पूरा पैड उसको आप अप्लाई करते हैं इन द अपर और या थाई में जहां पे आपको यूज करना है अंदर तो लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इज देन स्लोली इंजेक्टेड इनटू द कैनुला तो ये ए मेथड है अगर चिल्ड्रन का केस हो तो लोअर बॉर्डर ऑफ एल थ्री वर्टिब्रा और जबकि एडल्ट केस में लोअर बॉर्डर ऑफ एल वन वर्टिब्रा तो ये दोनों के केस में हम देते हैं लेकिन ये ध्यान रखना आपको सब अरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं राइट पाया और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में क्योंकि जबकि इपिडीसिया में हम बेसिकली आप उसको स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्टिप्रल कॉलम उसके बाहर उसको इंजेक्ट करते हैं राइट तो इपिडीसिया इज गिवन इन द इीड्यूरल स्पेस बिटवीन ड्यूरा मीटर एंड बोन विद द टूह नेडल तो आपको टूह तो नेडल कई बार भी पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो बेसिकली प्यलिया आप बाहर की तरफ दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड कॉलम वर्टिप्रल कॉलम में और जबकि ये कॉलम के अंदर दे रहे हैं इन द पाया और डरेक्ना के बीच में दिस इज स्पाइनल एनेस्थीसिया कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जब कभी लोकल एनस्टिटिया पराया है, जो है फेल हो जाते हैं अपना काम को प्रोड्यूस करने में मींस पेन को कंट्रोल करने में इन्फ्लेम्ड टिश्यू में ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जहां पे इन्फ्लामेशन होगा वहां पे पीएच ऑलरेडी लोअर होगा और जब पीएच लोअर होगा इट मींस एसिडिक होगा और चूंकि हमको पता है कि हमारे जो लोकल नेस्थेटिक और बेसिक नेचर के हैं तो एसिडिक में बेसिक अगर मिक्स हो तो इट मींस वो आयोनाइज होगा और आयोनाइज फॉर्म में लोकल नेस्थेटिक कम एब्जॉर्ब होगा तो जब एब्जॉर्ब कम होगा तो उसका इफेक्ट भी कम होगा ब्लड फ्लो तो इन्फ्लेम्ड एरिया इंक्रीज अगर ब्लड फ्लो भी इन्फ्लेम्ड एरिया में बढ़ जाता है जिससे लोकल नेस्थेटिक को उस जगह से जल्दी से हटा लिया जाता है ब्लड फ्लो की वजह से उसकी कंसेंट्रेशन वहाँ पर कम हो जाती है तुरंत इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स भी अपोज करते हैं लोकल अनस्थेटिक के एक्शंस को तो ये दो पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लामेशन में लोकल अनस्थेटिक प्राय फेल हो जाती है ऐसा क्यों या आप लोकल एनस्टेटिक देने के बाद भी हल्का पेन महसूस होता है ऐसा क्यों तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं जितनी भी लोकल अनस्थेटिक होती हैं वो वैसोडाइलेटर होती हैं एक्सेप्ट कोकेन के क्योंकि ये सिंपैथोमामिटिक होती है ड्यू टू तो इनहिबिशन ऑफ नॉर एड्रेन रीअपटेक सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉर एड्रेन के लेवल को बढ़ाती है और इज चीज़ें वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर दे फॉर ऑल लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीज द बी पी क्योंकि तो वैसोडाइलेटर की वजह से एक्सेप्ट कोकेन इंक्रीज करती है अब लोकल एनेस्थेटिक का अगर हम यूज की बात करें बेसिकली तो यूज में हम डायग्नोस्टिक परपज से आपको कुछ चीज़ देखना है सर्च करना है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक इनिशियली दे सकते हैं फैलापोटिक यूज है उसका प्री ऑपरेटिव भी हम और पोस्ट ऑपरेटिव भी हम लोकल एनेस्थेटिक का यूज कर सकते हैं इसमें बेसिकली लोकल एनास्थेटिक में आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही आने वाला है कि क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक्स ए डिफाइन लोकल एनाथेटिकलॉन्ग विथ क्लासिफिकेशन और क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और अगर क्वेश्चन अगर टिपिकल आता है तो कई बार इस जनरल पॉइंट और आपको ये टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया भी आपको याद रखना पड़ेगा सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल एनेस्थीसिया थैंक यू वेरी मच